साहेबगंज जिला मंडल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ग्राम कुलभंगा पहाड़ में कंप्लेन करने के बावजूद भी हेडमास्टर कुलदीप यादव एवं सहायक शिक्षक शंकर दास पिछले 2 वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे थे, जिसका वीडियो मैंने सितंबर 2014 में बनाया और साहेबगंज उपायुक्त को इसकी सूचना दी। मास्टर को देखा है तुम? देखा है। कब देखा? हाँ, 26 जनवरी में आता है तो नहीं आता है। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष सुरजा पहाड़िया है, वो तो उनके साथ तो मिलजुल के पैसा निकाल के खा लेते हैं और वो क्या बोल पाएंगे। अभी तो नया स्कूल बन रहा है, उसमें भी मैंने हम ही रहेंगे बोल रहा है। उसमें घर बना के अपना घर बना के तो आप लोग बोले ना कि आप क्यों रहेंगे, स्कूल है बच्चा लोग के लिए तो इसके बारे में हम लोग बोलने के बाद तो हम लोग को उल्टे धमकी दिया जा रहा है। क्या धमकी दे रहा? तो हम लोग को मारने के लिए ही, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसलिए वो तो सबसे मिलजुल के रहते हैं इसलिए हम लोग बोल नहीं पाते हैं। सितंबर 2014 में मैंने इसका वीडियो बनाया जिसमें दोनों शिक्षकों को हटाकर दो नए शिक्षक की मांग की, जिसकी सूचना एक बार फिर नवंबर 2014 में साहेबगंज उपायुक्त को दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर विद्यालय में दो नए शिक्षक हेडमास्टर राकेश कुमार पांडे एवं सहायक शिक्षक राम लाल मालतो को बहाल किया, जो नियमित रूप से विद्यालय संचालन कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर प्रतिनियोजी हुआ है 14 फरवरी को, यहाँ पर मैंने योगदान दिया है 16 फरवरी को। कितने टीचर हैं यहाँ पर? और मेरी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हुई है प्रधान शिक्षक में और एक मेरा सहायक शिक्षक है रामलाल मालतो। क्या क्या समस्या होती है आपके यहाँ पर? समस्या तो बहुत है। समस्या में है कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है पढ़ाने के लिए, न टेबल है न कुर्सी है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, समस्या ही समस्या यहाँ पर है। मैं इसके लिए अपने पदाधिकारी को भेंट किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। खाने का व्यवस्था भी? खाने MDM का भी सभी व्यवस्था को बोले हैं कि हम सुचारू रूप से उनसे बात करके, कुलदीप से बात करके मैं कर रहा हूँ। इसके बारे में तो सब डरता था पहले बताने के लिए, लेकिन हम खड़े होके हम बताए थे, उसके बाद अब सही होने लगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरा भतीजा भी इसी विद्यालय में पढ़ता है। मेरे वीडियो बनाने पर 2 वर्षों के बाद एक बार फिर कुलभंगा पहाड़ के विद्यालय में शिक्षा की किरण वापस आई, इसलिए मैं साहेबगंज जिले के उपायुक्त एवं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने विद्यालय की समस्या को दूर करने में हमारी मदद की। मैं शिखा कुमारी पहाड़ी, जिला साहेबगंज, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।